अगर आपको बेकिंग, कुकिंग, स्किन केयर, DIYs, होम केयर इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो जी हाँ, आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंपेयरिंग विजन। जी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूज़फुल डिफरेंस। हम में से बहुत से लोग बेकिंग का शौक़ तो रखते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज नहीं होता उनके पास। तो जी हाँ, बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, क्या आपको इनमें फ़र्क मालूम है? अगर नहीं तो जी हाँ, आज की वीडियो खास आपके लिए है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, आपके सामने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डिस्प्ले हैं जो मेटालिक सिलेंड्रिकल पैकिंग में है। ये बेकिंग पाउडर है रेड और वाइट कलर में, और जो ये सिंपल साशे की फॉर्म में है ये बेकिंग सोडा है। तो अब इनको डिश आउट करते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों आपके सामने डिस्प्ले हैं। नंबर वन, दोनों ही कुकिंग और बेकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेकिंग सोडा सिर्फ एक चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, जबकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्रीम ऑफ टार्टर और कॉर्न स्टार्च शामिल हैं। बेकिंग सोडा का एक चम्मच बेकिंग पाउडर के 3 चम्मचों की ताकत रखता है। अगर आपने किसी चीज़ में बेकिंग सोडा फुलाने के लिए इस्तेमाल किया है तो आप बाउंड हैं कि आपने 30 मिनट के अंदर अंदर उस चीज़ को बेक कर लेना है या फिर फ्राई कर लेना है। लेकिन अगर आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है तो उसमें कॉर्न स्टार्च शामिल है जो कि आपके रिएक्शन को रोकता है, और आपके इंग्रेडिएंट्स तभी एक्टिव होंगे जब आप उनको हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर ओवन करेंगे। अब बड़ा सवाल कि दिखने में एक जैसे हैं तो पहचान कैसे होगी कि बेकिंग पाउडर कौन सा है और बेकिंग सोडा कौन सा है? तो आपने इस तरीके से अपनी चुटकी में छोटी सी क्वांटिटी ले लेनी है और उसको प्रेस करना है। आपको छोटे छोटे ग्रेन्स यानी दाने महसूस होंगे जिस तरह नमक के होते हैं, लेकिन नमक के दाने थोड़े मोटे होते हैं, इसके थोड़े बारीक होंगे। तो ये होगा बेकिंग सोडा। इसी तरीके से आपने चुटकी भर क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की भी ले लेनी है और उसको प्रेस करना है। ये बिल्कुल टैल्कम पाउडर जो बच्चों को लगाते हैं उस तरीके का महसूस होगा, इसमें कोई दाना नहीं होगा। ये होगा आपका बेकिंग पाउडर। पहचान हो गई क्लियर। आप बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। उसके लिए मैंने 2 ग्लासेस में इक्वल मिकदार में नीम गर्म पानी लिया। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। जो ही मैंने इसको पानी में ऐड किया तो इस पाउडर ने फौरन रिएक्शन देना शुरू कर दिया और वाइट बबल्स बनना स्टार्ट हो गए और आपका ट्रांसपेरेंट पानी वाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये बबल्स बनने का मतलब ये भी है कि आपका बेकिंग पाउडर बिल्कुल ठीक है, यानी एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये देखिए, एक वाइट लिक्विड आपके सामने है, इसका मतलब कि ये बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर है। उसके बाद ठीक उसी तरह 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा का लिया और जब मैंने उसको ग्लास में ऐड किया तो ये फौरन ही नीचे जाकर सेट हो गया और इसने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया। और जब मैंने स्पून की मदद से इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की तब भी पानी का कलर चेंज नहीं हुआ, बल्कि पानी का कलर उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट ही रहा। ठीक है, इतना खास डिफरेंस नहीं आया। दोनों सैंपल्स आपके सामने हैं, आप इस तरीके से आसानी डिफरेंस कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा कौन सा है और बेकिंग पाउडर कौन सा है। बेकिंग सोडा का एक्सपायरी टेस्ट करने के लिए आपने एक लीमू ले लेना है और इस तरीके से उसको निचोड़ना है। वाइट बबल्स बनेंगे, इसका मतलब बेकिंग सोडा एक्सपायर नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है इस्तेमाल के लिए। दोनों एक्सपायरी टेस्ट भी आपके सामने हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही फुलाने का काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी रेसिपी में बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी रेसिपी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी रेसिपी को ख़राब कर देगा और उसका टेस्ट भी चेंज कर देगा। इसके साथ साथ जिस रेसिपी में बेकिंग सोडा शामिल है आपको उसको आधे घंटे के अंदर अंदर बनाना पड़ेगा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग और बेकिंग तक है, जबकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेशुमार है। ये आपकी स्किन वाइटनिंग, होम DIYs, टीथ वाइटनिंग और बेशुमार रेमिडीज में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।